कस्यामे नवनिर्मित बस स्टेशन का सांसद व विधायक ने किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कस्यामे नवनिर्मित बस स्टेशन का शनिवार को कुशीनगर सांसद विजय दुबे व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने किया आयोजित। लोकार्पण समारोह को आज संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि कोरोना के संकट काल में कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की कल्पना नहीं कर रहा था, लेकिन उड़ान चालू हुई। प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में लोकसभा, विधानसभा व जनपद के सर्वाधिक विकास हुए हैं। इस दौर में चौड़ी सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं सहित विकास, अनगिनत विकास के कार्य हुए हैं। विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि कुशीनगर विधानसभा में चारों तरफ विकास नजर आ रहा है। आज केंद्र सरकार ने जो कर दिखाया है, रामलला का मंदिर बन रहा है और पंडित दीनदयाल जी का सपना पूरा हो रहा है। हमने विकास किया है और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। इसी क्रम में अमित पांडे, अमरीश चौबे, मनोज पांडे ने संबोधित किया। इस मौके पर 9 परियोजनाओं का लोकार्पण व 17 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। इससे पूर्व नवनिर्मित बस स्टेशन का लोकार्पण सांसद व विधायक ने किया और कसिया से कानपुर के लिए सजाई गई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आभार आरएम गोरखपुर पीके तिवारी व संचालन राजू बधेशिया ने किया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। उद्घाटन बस स्टेशन का तो ये आनंद फानंद में हुआ है कि देखिए आप भी देख रहे हैं अपनी आंखों से, बस स्टेशन रूप से बनकर तैयार हो गया और अभी भी हमारी तमाम योजनाएं हैं जो बनकर तैयार नहीं है, मैंने उसका ना उद्घाटन नहीं किया, लेकिन जो योजनाएं बनकर पूर्ण हो चुकी थी आज की तारीख में उसका मैंने उद्घाटन किया। तो क्या पूर्ण रूप से तैयार है? बिल्कुल पूर्ण रूप से। इससे यहाँ से बसों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। अभी हमारी आरएम साहब से भी बात।